अरे इतनी वीडियो थोड़ी हम देख दिखाने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन वाइज का बनाया था। देखो आपको आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कि मून का जो एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, और अगर अर्थ फोर्स लगा रही है तो अर्थ अपनी सेंटर की तरफ लगाएगी, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और अगर सेंट्रल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंट्रल होगा, मतलब सेंटर सीकिंग होगा। एसी एसी कितना दे रखा है आपको, 0.0027, तो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मून, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो ये डेटा हम नोट कर लेते हैं, एसी इक्वल्स टू दैट इज 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक और डेटा आपको दे रखा है कि जो सरफेस पे एप्पल गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब बस इतना है कि जब ग्रेविटी की वैल्यू अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस आप निकालेंगे तो वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग फैक्ट क्या जानते हैं कि जब भी रेडियस आप मतलब सरफेस से दूर जाए, मतलब ऊपर जाए यहां से, या फिर अर्थ के अंदर टनल के थ्रू आए, ग्रेविटी की वैल्यू क्या करती है, 10 से डिक्रीज करती है ना, 10 से डिक्रीज करेगी। अर्थ के सेंटर से अगर हम सरफेस तक आते हैं तो लिनियरली इंक्रीज करेगा, और या उल्टा कह लीजिए कि सरफेस से अगर आप सेंटर पे जाते हैं तो ग्रेविटी लिनियरली डिक्रीज करती हुई चली जाएगी, और अगर अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जाते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि जो सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू है वो सबसे क्या है, मैक्सिमम है। इसीलिए आपको दिया गया है ये इंफॉर्मेशन, इससे आप बस इतना विड्रॉ कर सकते हो कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि अर्थ मून का भी ग्रेविटी मून के लिए भी जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब इसका मतलब ए ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास कितने ऑप्शंस है, बी है, सी है, डी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप समझिएगा इस चीज को। देखिए तो हमने ये कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर हम इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी मून का वी नॉट मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा एम मास ऑफ द मून वी नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर, और आर जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, या यूं कहें कि इस जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो आर हो जाएगा। तो ये दे रखा है आपको कितना, 0.0027, ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा अगर आपको ये जानना है कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है इस मून पे, तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन तो पता ही है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंटर तरफ लग रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या होगा, मास ऑफ द मून इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि मून को रोक दिया गया, यहाँ पे जो ये ऑर्बिट कर रहा था इसको एक मोमेंट के लिए रोक दिया गया किसी भी तरह से, अगर रोक देंगे तो इनके बीच का सेपरेशन तो नहीं बदल रहा है और ना ही इनका मास चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ही बातों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास और उनके बीच की डिस्टेंस पर, और दोनों ही चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो फोर्स होगा वो एम इंटू एसी का ही बना रहेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था। लेकिन अब ये क्या करेगा, जो ही रोक देंगे तो ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा किधर की तरफ, टूअर्ड द अर्थ, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा अगर हम उसे ए प्राइम मान लें कि एक्सेलरेशन ए प्राइम है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द मून, तो वो तो यही फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, अपॉन मास ऑफ द मून जिसका हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है थोड़ी देर पहले ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था अपॉन मास, इसका मतलब
ये जो हो गया आपका किसके इक्वल है, m इंटू ए सी सेंट्रीपेटल एक्सलेशन के इक्वल है अपॉन m हो गया, mm क्या हो गया कट गया। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन मून का होगा स्टॉप करने के बाद वो उसी सेंट्रीपेटल एक्सलेशन के इक्वल हो जाएगा और किधर होगा टूअर्ड द रेडियस, और ये कितना दे रखा था दैट 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ मून जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द अर्थ, मतलब अर्थ को जब स्ट्राइक करेगा, अर्थ को जब मून स्ट्राइक करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका सेंटर ठीक है क्या होगा, सरफेस से काफी ऊपर होगा, और अगर हम ये डिस्टेंस कहें सरफेस से डिस्टेंस कहें तो मून का रेडियस क्या कहा गया, 1/4 कहा गया है, ठीक है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया आर ई हो गया। इसका मतलब कि ये जो सरफेस से एक अच्छी खासी हाइट पे है जो रेडियस के कंपैरिजन में है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जी डैश हम लोग जानते थे जी डैश दैट इज जी अपॉन 1+H अपॉन क्या होता था आर ई का होल स्क्वायर होता था, जी डैश किस सरफेस से ऊपर जाने पे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे ये होता था। अब हम कहते थे कि ये निग्लेजिबल तो है नहीं हाइट, इसका मतलब यहाँ हाइट की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। अब हाइट की वैल्यू अगर प्लेस कर दें जो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है 1/4 है, तो ये लिख देंगे 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, आर ई कट गया, ये कितना आ जाएगा 5/4 और स्क्वायर हो जाएगा तो 25/16 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/25 इंटू जी, और जी ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे रखा है क्योंकि उसने कहा है न्यूटन की तरह उसने देखा कि एप्पल जब हम छोड़ते हैं तो वो 9.8 नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है, तो हम ग्रेविटी वो वैल्यू यूज करेंगे 10, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या कर लीजिए देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई कर ले हम लोग तो नीचे डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 100, है ना, ये सब कैलकुलेशन सीखिए, 16 4 64 एक जीरो और नीचे 100 आ गया, क्या आता हुआ दिख गया 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी करेक्ट है। और जिन लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया होगा उनने रेडियस को क्या, उसने उन लोगों ने सोचा होगा कि ये सेंटर अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक आ गया, जो गलत है, वो सोच ही गलत थी, है ना। आपको ये देखना है कि सेंटर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सेंटर के बीच में लगता है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है या इनकी साइज निग्लेजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ग्रेविटी पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, हम जी ऑफ ई लिख रहे हैं सफिक्स में, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन यही मून पे जो ग्रेविटी है जीएम लिख दे रहे हैं ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, है ना, 4.0 दिया है उसकी बात अलग है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों जगह पे इस आदमी का जो मास है वो 60 केजी होगा, क्योंकि मास क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व विद दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम कहेंगे कि क्या बदलेगा, वेट बदलेगा, तो वेट अगर हम बात करें कहां पे, अगर अर्थ पे बात करें तो मास ऑफ द मैन इनटू ग्रेविटी, और किसकी लेंगे अर्थ की ग्रेविटी लेंगे, तो मास आपका 60 केजी, अर्थ की ग्रेविटी 10 है, इसका मतलब जो टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मैन 600 न्यूटन हो गया। इसी तरह से अगर हम मून पे इसका वेट निकालें तो हम कहेंगे कि मून पे जो वेट है तो मून पे ग्रेविटी, मून की जो ग्रेविटी है वो लेनी पड़ेगी, तो इनटू ग्रेविटी ऑफ मून, इसका मास तो वही रहेगा 60 इनटू क्या लेंगे 4, मतलब 240 न्यूटन। अब हमें ये पता है, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट ढूंढे, मतलब एक ऐसा डेस्टिनेशन आएगा इन दोनों सेंटर के बीच में C1 C2 के बीच में
जहां पे दोनों का जो अप्लाइड फोर्स है इस आदमी पे वो इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मून अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये जो पॉइंट है ये छोटे वाले मास मतलब टुवर्ड द मून की तरफ होगा, ज्यादा क्लोजर होगा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट है, जहां पे कोई भी ग्रेविटी या नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ये आदमी यहाँ पे क्या करेगा, जीरो। इसका वेट जो होगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो एक ही ऑप्शन है जिसमें ग्रेविटी, दो ऑप्शन है जिसमें जो वेट जीरो दे रहा है, कौन कौन, सी और डी। इसका मतलब ए और बी रिजेक्ट हो गए, है ना। जब भी आदमी अर्थ सरफेस से मून सरफेस पे जाएगा तो बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे एक नल पॉइंट मिलने वाला है, मतलब उसका वेट जीरो होने वाला है, और वो ए और बी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब सी और डी है, डी रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मून पे होगा तो मून अट्रैक्ट कर रहा होगा और अर्थ होगा तो अर्थ अट्रैक्ट। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट होगा यहाँ पे, ये तय है, दो पॉइंट नहीं होंगे, इसलिए भी डी रिजेक्ट हो रहा है। तो डी रिजेक्ट करने के दो चीजें हैं, जो भी आपको स्ट्राइक कर जाए, दो पॉइंट हमारे पास नल पॉइंट नहीं मिलेंगे दोनों सरफेस के बीच में, एक ही नल पॉइंट मिलेगा। दूसरा क्या जवाब है, दूसरा है कि वेट कभी निगेटिव नहीं होगा। तो दो रीजन है रिजेक्ट करने के लिए डी। इसका मतलब तीन ऑप्शन अगर रिजेक्ट हो गए तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई अर्थ जिसका मास हम लोगों ने कैपिटल एम मान लिया, डेंसिटी रो दे रखा है कि दोनों प्लेनेट का जो डेंसिटी है और अर्थ की डेंसिटी बराबर है। हमने कहा कि इसका रो डेंसिटी, इसका भी रो मान लिया। मास के टर्म में दिया है कि इसका एम है और इसका मास कितना है, 2m है, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब हमें क्या करना है, वेट के बारे में बताना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो वेट किसी ऑब्जेक्ट का होता है, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास हम लोग m मान ले तो जो इसका वेट हो जाएगा वो मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, जो उस प्लेनेट की ग्रेविटी है। तो जाहिर सी बात है अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे ली जाएगी, और जब ये ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट पे होगा तो ग्रेविटी अर्थ की ना लेके इस प्लेनेट की ग्रेविटी लेंगे हम लोग। अब जो ग्रेविटी किसी प्लेनेट की होती है वो क्या होती है, जी, कैपिटल जी, मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन आर का स्क्वायर होता है। सरफेस पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगर आप मास को वॉल्यूम ऑफ द प्लेनेट, स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल मान रहे हैं हम लोग, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और डेंसिटी, अब यहां से जब आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ब्रैकेट की सारी चीजें कांस्टेंट है, 4/3 π एज ए कांस्टेंट है, जी और जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और रो इनने कह रखा है कि दोनों सिचुएशन में दोनों की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ब्रैकेट पूरा कांस्टेंट है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और अगर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो वेट जो होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब मास ऑब्जेक्ट का, चाहे ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे रहे चाहे उस प्लेनेट पे रहे, मास तो नहीं बदलने वाला है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, है ना, वो कांस्टेंट है। तो हमने कहा कि अभी भी ये ब्रैकेट कांस्टेंट है, इसका मतलब वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। अब आते हैं हम लोग चारों ऑप्शन को रिविजिट करते हैं और रिजेक्शन करते हैं पहले, बाद में हम क्वांटिटेटिव काम कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमें पता है कि इस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का डबल है और डेंसिटी सेम रखनी है तो साइज ज्यादा होगा इसका, है ना, ये सिंपल सी बात है। अगर साइज ज्यादा होगा मतलब आर की वैल्यू अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और अगर अर्थ के रेडियस कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो आर हम लोग देख रहे हैं कि आर, अगर आर बढ़ाते हैं तो वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है, डब्ल्यू है, वो रिजेक्ट हो गया, वही वेट नहीं रहने वाला है। ऑप्शन आपका सी भी रिजेक्ट हो गया, डब्ल्यू बाई टू है, क्योंकि वेट कम नहीं होगा, वेट डब्ल्यू से ज्यादा होगा। अब डिपेंड करता है कितना ज्यादा होगा, क्या वो 2W हो जाएगा या फिर 2^1/3W है। अब रिजेक्ट करने की बात कर ले, हम लोग मान लेते हैं चलो 2W हो जाएगा। सपोज हमने मान लिया कि अगर इसे 2W हो जाना है तो इसका रेडियस क्या होना है, इसका रेडियस, क्योंकि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस को भी डबल होना पड़ेगा। अब रेडियस डबल करने के चक्कर में इसका जो वॉल्यूम है 4/3 πr³ होता है। r³ का मतलब 2 का क्यूब, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा।
और अगर इसका साइज 8 times हो गया तो वेट भी इसका 8 times हो जाएगा, मतलब 2m नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर है जिसके लिए 2r रेडियस चाहिए, जिसका 2r रेडियस चाहिए या जिसका मास 4m चाहिए, सॉरी 8m हो जाएगा, वो तो अलग स्फीयर होगा और ये छोटा है। इसका मतलब इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो r रेडियस ऑफ अर्थ से तो ज्यादा होगा लेकिन 2r से कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेनेट पे अगर होते हम 8m वाले मास वाले प्लेनेट पे होते तब जाके इस ऑब्जेक्ट का जो वेट आता वो 2w आता, लेकिन हम तो इस प्लेनेट पे हैं। इसका मतलब 2w से वेट क्या होगा, कम होगा, और w से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी ऑप्शन है। अब अगर हम क्वांटिटेटिव निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जबकि हम लोगों ने ऑप्शन रिजेक्ट करके देख लिया है। तो देखिए तो हमें पहले इनके रेडियस का कंपैरिजन करना है। तो हमने कहा कि सपोज जो यहां पे वेट है से डब्लू डब्लू डैश है और यहां पे वेट तो डब्लू दे ही रखा है, हमें इसका रेशियो निकाल ले रहे हैं। तो हमने कहा डब्लू डैश अपॉन डब्लू, डब्लू डैश का मतलब क्या हुआ, मास इंटू ग्रेविटी उस प्लेनेट पे, जी डैश अपॉन मास इंटू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब जी डैश एम एम तो कट जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट है उसी का मास हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटी की वैल्यू उस प्लेनेट पे है, जी उस प्लेनेट का मास मतलब 2m अपॉन उस प्लेनेट की रेडियस नहीं पता है r डैश का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हो गया आपका हाँ होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे क्या कटने वाला है, ये कट गया, m कट गया, क्या आ गया, इट बिकम 2 times r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। इसको यही छोड़ देते हैं, w डैश अपॉन क्या है, w है। अब हमें क्या निकालना है, ये r और r डैश में रिलेशन क्या है, कैसे निकलेगा, डेंसिटी दोनों प्लेनेट की बराबर है तो हमने कहा कि डेंसिटी और डेंसिटी रो एंड रो डैश अगर हम मान लेते हैं प्लेनेट की तो ये दोनों बराबर है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 πr³। और यहाँ पे मास क्या है, 2m है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसका 4/3 π और r डैश का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 4/3 π 4/3 π m m कट गया, ये क्या आ जाएगा आपका, r डैश क्यूब इधर आ जाएगा, तो इट बिकम r डैश अपॉन r का क्या हो गया, होल क्यूब, और इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज 2 हो गया, और ये क्यूब इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/3। अब देखिए यहां पे ये क्या है, r अपॉन r डैश है, जस्ट इसका उल्टा है। इसका मतलब कि अगर हम वैल्यू प्लेस कर दें यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, w डैश अपॉन w इक्वल्स टू 2 × 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2³ का क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 2 upon 2 की पावर, ये 1 है या 2/3 है, अब सेम बेस है पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 की पावर क्या आएगा, 1/3। ये w डैश इस w को इस साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा, W। तो ये आपका सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया, और बाकी हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर लिया था कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे हम लोग इसे रिजेक्ट करके निकाल लेंगे।